नमस्कार, फेलिसिटी टीवी में आपका स्वागत है। एक डायलॉग आपने पूरे इलेक्शन के दौरान सुना होगा, हुआ सो हुआ। ये डायलॉग बोला था राहुल गांधी के गुरुजी सैम पित्रोदा ने। क्या हुआ था, आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर में शुरू किया था और इसके 6 महीने बाद इंदिरा गांधी को मार दिया गया और दिल्ली व समस्त भारत में सिखों के खिलाफ कांग्रेसियों ने दंगे शुरू कर दिए, जिसमें बहुत सारे सिख मारे गए। आज भी उनको न्याय नहीं मिला, तो इस वजह से लोगों ने सवाल पूछा था कि भाई ये सिखों का आप क्या सोचते हैं जो दंगे हुए थे उसके बारे में। तो उन्होंने कहा था राहुल गांधी जी के गुरुजी ने कि हुआ सो हुआ। तो आज ब्लू स्टार ऑपरेशन की 30वीं बरसी है और वहाँ पर स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान समर्थकों और विरोधियों के बीच में आज थोड़ा संघर्ष भी हुआ, नारेबाजी भी हुई, जो कि गलत है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं पार्टी में जिम्मेदारी तय करेंगे कि कौन किस वजह से आ रहे हैं। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि वो वजह खुद ही है, लेकिन क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है, मालिक वही हैं राहुल गांधी, उनको कोई बदल नहीं सकता, ना ही उनके खिलाफ कोई बोल सकता। इस वजह से कांग्रेस का तो जो होना है वही होगा। प्रियंका गांधी भी इस इलेक्शन में कुछ नहीं कर पाई। इन्होंने 73 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 70 की जमानत जब्त हो गई। बागपत जिले के बड़ौद शहर में मिलिट्री की भर्ती चल रही है, इसमें कई जिलों के नवयुवक भाग ले रहे हैं और कुछ का सिलेक्शन भी हो रहा है। लेकिन एक खराब बात यह है कि स्पेशल तरह का इंजेक्शन बड़ौद में बहुतायत से बिक रहा है, वह इसके खोल भी वहीं भर्ती ग्राउंड के आसपास मिल रहे हैं। मिलिट्री भी लगातार चेकिंग कर रही है कि ये क्या हो रहा है, क्या लड़के हमारे इतने असमर्थ हो गए हैं कि बिना इंजेक्शन के वो भाग भी नहीं सकते। इलेक्शन से पहले अजीत सिंह, अखिलेश यादव व मायावती की पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ था और इन्हें आपस में या इनके समर्थकों को इतनी उम्मीद थी कि शायद हम आपकी 77 में से 60 सीट जीत जाएंगे। सब भी विश्वास से लवरेज थे, भाव विभोर थे, शायद इसलिए ठीक से कन्वेंसिंग नहीं कर पाए। और इसका अंत ये हुआ कि अखिलेश यादव को 2014 जितनी 4-5 सीटें मिली, मायावती को 10 सीटें जरूर मिली और अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को कोई सीट नहीं मिल पाई। तो इससे इसके बाद में ये सब लोग आपस में अब बिखर चुके हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने भी ऐलान कर दिया है कि 11 विधानसभा के उपचुनाव में हम अकेले लड़ेंगे। और उधर सपा में भी संघर्ष चल रहा है, सपा में शायद शिषपाल यादव को वापस लेने की तैयारी चल रही है, क्योंकि लोग कहते हैं अपनों के पैर नहीं पकड़कर दूसरों के पैर अखिलेश यादव ने पकड़ लिए, जिसकी वजह से सारी वोट कट गई। इसको पहले अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए और अजीत सिंह जी को मुद्दे तलाश करने चाहिए कि आखिर वो हारे क्यों, कहाँ कमी है। जो इलाका चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाता था, उसमें आज अजीत सिंह एक बागपत की सीट भी नहीं जीत पा रहे, तो ये उसके लिए एक हार्ड एनालिसिस की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का जन्मदिन है, वो 47 साल के हो गए हैं, शायद सबसे युवा, बहुत युवा मुख्यमंत्री हैं और एनर्जी से भरपूर हैं। हो सकता है एक दिन ये प्रधानमंत्री भी बने। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा भारत के सभी शहरों में और इसकी बहुत ही बड़े लेवल पर तैयारी की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसमें हिस्सा लेंगे। आज भारत में व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्पेशल बेरोजगारी है। इलेक्शन के बाद योगी सरकार ने भी माना है कि बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
और जो स्वरोजगार सिस्टम था वो अभी इतना कारगर नहीं हो पाया है। शायद 5 साल में बहुत ही कम स्वरोजगार पर काम हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोजगार बढ़ाने के लिए कमेटियां नियुक्त की हैं। उन्होंने 8 कमेटियां नियुक्त की हैं अलग अलग काम के लिए, जिन सभी कमेटियों में मोदी और शाह मेंबर हैं, लेकिन राजनाथ सिंह सिर्फ 2 में ही मेंबर हैं। उधर सिद्धू साहब लगातार पंजाब कैबिनेट का बायकॉट कर रहे हैं मीटिंग्स का, और वह पता नहीं कौन सी पार्टी में मिलने वाले हैं। शायद पाकिस्तान की किसी पार्टी में मिलेंगे या उससे भी आगे अफगानिस्तान वगैरह में कहीं जाने का इरादा है, कह नहीं सकते।